हेलो गाइस, होप करता हूँ कि आप सब ठीक है। शुरू करने से पहले आज एक अनाउंसमेंट। मेरा चैनल मतलब हम लोगों का चैनल, आप और हम लोगों का चैनल का नाम मूवी मास्टर था, बट एक रीजन के लिए इस चैनल के नेम को चेंज किया गया है। अब इस चैनल का नया नाम है मूवी लेक्चरर, पर डोंट वरी, चैनल का सिर्फ नाम बदला है, काम नहीं। तो स्टे ट्यून्ड एंड आप लोगों ने थंबनेल तो पढ़ ही लिया होगा। हाँ, आज हम बात करने वाले हैं द इरेगुलर सीरीज की फर्स्ट एपिसोड के बारे में। चलिए शुरू करते हैं एक नए इंट्रो से। तो सीन स्टार्ट होता है एक गुफा से, जहाँ एक लड़की लैंटर्न लेके अंदर जा रहा था। फिर उसे कुछ एब्नॉर्मल सा कुछ दिखता है, जैसे कुछ पास हुआ हो। फिर भी वो अंदर घुसता है, वहाँ से बहुत सारी कुछ अजीब चीज पास होता है, जैसे बहुत सारे आत्मा एक साथ पास हो रहे हैं। फिर भी वो डर डर के जाता है और एक जगह खड़ा होता है, और उसके पीछे जो दीवारें थी वहाँ पे दिखाया जाता है बहुत सारे मरे हुए लोगों के कंकाल। फिर बारों से कंकालों की धसने की आवाज़ सुनाई देती है। वहाँ से एक कंकाल निकल रहा था, फिर वो कंकाल पीछे से उस लड़की को पकड़ता है, फिर झट से बिस्तर से उठ जाता है। फिर उसके पास सोए एक लड़की उसे कहता है वो सपना देख रहा था। अपने वाली लड़की का नाम था जेसी और पास सोई लड़की का नाम था बे। बे जेसी को संभालता है और फिर उसे सुलाता है। फिर सुबह होता है, जेसी बहुत फुर्ती से नींद से उठता है और वो घर पे कुछ ढूंढने लगता है। फिर जेसी बे को हैप्पी बर्थडे विश करता है। बे 17 साल का हो गया है। फिर जेसी बे को कुछ इनविजिबल सा गिफ्ट देता है और कहता है ये परफ्यूम है, पर असल में वो कुछ नहीं था, दोनों बहुत ही गरीब है। तो जेसी बे का मन बहलाने के लिए ये बोलता है। फिर बे देखता है स्पाइक और बिली उसके बिस्तर पे नहीं है। फिर वो दोनों को ढूंढने जाता है। असल में बिली और स्पाइक भी उनके साथ ही उस घर में रहता है। फिर दिखाया जाता है 90s का लंदन, जहां अमीर और गरीबों में एक लकीर सा दिखाया जाता है, एक भेदभाव दिखाया जाता है। ढूंढते ढूंढते ये देखता है उसको कोई खिड़की से उस पे नजर रख रहा है। फिर जल्दी से चला जाता है बिली और स्पाइक को ढूंढने। फिर दिखाया जाता है एक बेटिंग होने वाले फाइट में बिली और स्पाइक को। बिली पैसों के लिए पहलवान के साथ फाइट करना चाहता था। फिर वहाँ बे पहुंच जाता है और उसे फाइट करने को रोक देता है। अब सीन दिखाया जाता है उनके घर पे, जहाँ बे बिली पे चिल्ला रहा था। ये सब लोग गरीब है, इसीलिए बिली ने पैसे कमाने के लिए ये फाइट करने वाला था। और यहीं पे बिली के मुंह से हमें पता चलता है कि जेसी बे की बहन है, और स्पाइक और बिली बे और जेसी के दोस्त है। और हमें ये भी पता चलता है कि जेसी की दिमागी हालत ठीक नहीं। सीन चेंज हो जाता है, एक हैंडसम लड़के को दिखाया जाता है। वो खिड़की से देखता है कि कुछ लोग क्रिकेट खेल रहे होते हैं। फिर अंदर एक आदमी आता है और उस लड़के को हैप्पी बर्थडे विश करता है, साथ में एक गिफ्ट देता है जो कि किसी ने भेजा हुआ था। फिर हम लोगों को पता चलता है कि वो लंदन का राजकुमार था, लंदन का प्रिंस, और उसे हीमोफीलिया थी तो वो बाहर नहीं जा सकता था। फिर प्रिंस उस आदमी से जो उसका केयरटेकर है से कहता है कि उसे बाहर जाना है बस एक दिन के लिए। प्रिंस बर्थडे पे बस यही चाहता है। फिर ये दोनों मिलके हॉर्स कैरेज पे चढ़ के शहरों में निकलता है, पर प्रिंस को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था, उसे बस बाहर जाना था। फिर से बे को दिखाया जाता है वो बिली और माइक से बात कर रहा होता है अपने घर पे। तभी बे देखता है जेसी अपने बिस्तर पे नहीं है। फिर से सीन बदल जाता है, अब जेसी को दिखाया जाता है जो रास्ते पे चल रहा था और उसको कुछ सुनाई दे रहा था, कुछ आवाजें, मानो कि उसके कान में कोई कुछ बोल रहा हो। फिर उसे एक एविल दिखाई देता है और वो भागने लगती है। फिर वहीं पे प्रिंस का हॉर्स कैरेज बहुत तेजी से उसकी तरफ आ रहा था। बे टाइम पे आ जाता है और उसे बचा लेता है। जब प्रिंस का कैरेक्टर जेसी पे चिल्लाने लगती है, बे उस पे भड़क जाती है और उसे बहुत जोर से डांट के भगा देता है। और ये सारी चीजें प्रिंस अपने हॉर्स कैरेज पे बैठे बैठे देख रहा था। उसे बे की पति एक अट्रैक्शन फील होता है। फिर सीन चेंज होता है, बे को दिखाया जाता है एक चर्चगेट पे, बे और जेसी की माँ की कब्र के सामने। बे एक फादर से बात कर रहा होता है, चर्च का फादर से, उसके बहन के सपनों के बारे में जो उसकी माँ को भी आते रहते थे। फादर ज्यादा कुछ ना बोल के वहाँ से चला जाता है। फिर बे को कोई चर्चर से फॉलो करता है और फिर मौका मिलते ही बे उस पे अटैक करने लग जाता है। पर अटैक करने से पहले वो आदमी अपना परिचय देता है। वो बोलता है वो एक डॉक्टर है, वो डॉक्टर और उसका एक दोस्त उनके डिटेक्टिव एजेंसी है बेकर स्ट्रीट में। वो डॉक्टर बे को एक काम देने के लिए बे को अपने साथ एक होटल पे ले जाता है। फिर वो डॉक्टर बे को पैसे दे के एक काम देता है। डॉक्टर बोलता है कि बेसवाटर के एक घर से
एक न्यूबॉर्न बेबी को किडनैप किया गया है। वो बेबी अपनी बहन के साथ एक बंद कमरे में था और उनकी मॉम नीचे जाग रहा था। तो डॉक्टर उस किडनैप किए हुए बेबी के बहन, जिसका नाम था सुजन सिपली, उसको ढूंढने के लिए बोलता है बे से। फिर दिखाया जाता है सुबह बे और बिली को। बिली बे से झगड़ता है इस बात को लेके कि इतने सारे लोगों के बीच वो सुजन सिपली को ढूंढेगा कैसे। फिर उस टाइम पे एंट्री होता है स्पाइक का। स्पाइक फटाफट से सुजन के एड्रेस बताने लगता है। वो दोनों शौक हो जाते हैं और उससे पूछता है कैसे पता चला। तो बताता है कि बेस वाटर में उसका एक दोस्त था, उससे जब सुजन सिपली के बारे में पूछा तो उसको कुछ पता नहीं चला, पर उसके एक आंटी बेस वाटर में ही रहता है। फिर स्पाइक उस आंटी के पास जाता है और उससे पता चलता है सुजन सिपली के बॉयफ्रेंड के बारे में, जो एक हॉट बाथ लेने एक जगह जाता है। तो स्पाइक भी वहाँ पहुँच जाता है और वो उससे चालाकी से सुजन सिपली का एड्रेस निकाल लेता है। बात खत्म ही हुआ था, चलते चलते देखा तो वो लोग सुजन सिपली के पास ही पहुंच गए थे। फिर सुजन सिपली से बे को पता चलता है कि सुजन रात को घर का खिड़की खोल के अपने बॉयफ्रेंड से मिलने चला गया था। फिर जब वो आके देख तो वो बच्चा किडनैप हो गया था और वहाँ पे एक रेवन का पंख मिलता है। फिर वो खिड़की बंद करके घर वालों को बताता है। उसने और एक अजीब बात कहा है, किडनैप होने के 5 दिन पहले से रात को कुछ कौओं की आवाज़ें सुनाई देता था। तभी एक कौआ सुजन के मुंह पे खरोच देता है। देखते ही देखते उन चारों पे ही एक झुंड कौआ एक साथ अटैक कर देता है। वो लोग भागने लगते हैं। बे, बिली और स्पाइक तो बच जाते हैं, पर वो पक्षियाँ सुजन सिपली का आँख निकाल के उसे मार डालता है। फिर एक रोमांटिक सा सीन दिखाया जाता है जहाँ बे किसी को प्यार से अपने करीब बुला रहा था और वो और कोई नहीं, वही प्रिंस था। बे उसे प्यार से छूने ही लगा था, तभी उसको होश आता है, असल में वो ये सब सोच रहा था। फिर वहाँ पे राज कर्मचारी आते हैं उसका हालचाल पूछने। फिर प्रिंस उसे जाने को बोलता है क्योंकि वो अकेला रहना चाहता था। फिर प्रिंस अपना हुलिया बदल के महल से निकलता है और बे के खोज में चला जाता है। इससे हमें पता चलता है कि वो बे को बहुत पसंद करने लगा था। फिर प्रिंस एक बार में जाता है एक स्ट्रीट का पता लगाने जहाँ उसने बे को देखा था। फिर से सीन बदलता है, दिखाया जाता है कि बे डॉक्टर के घर को जाता है। उसे ये काम, बे को ये काम नहीं करना था, पर डॉक्टर उसे उसके बहन की हालातों और पैसों की तंगी को पता के उसे उस इन्वेस्टिगेशन में जाने को राजी करता है। और डॉक्टर बे को ऐसे ही और 3 न्यूबॉर्न बेबी का मिसिंग फाइल और एक पंख देता है। फिर प्रिंस को दिखाया जाता है, ढूंढते ढूंढते वो बे को ढूंढ लेता है। फिर प्रिंस बे के पास जाने को थोड़ा हेजिटेट होता है, फिर धीरे धीरे उसकी तरफ जाता है। फिर प्रिंस बे के पास जाके कैसे बात शुरू करे वो सोच रहा था। फिर प्रिंस बे के हाथ में उस पंख के बारे में बात करने लगता है। उस पंख के बारे में बताता है कि वो एक रेवन का पंख है और ये लंदन में मिलना बहुत यूनिक है। फिर प्रिंस अपना असली परिचय छुपा के बे को अपना नाम लियो बोलता है। फिर प्रिंस बे के हाथ में वो फाइल देख के और उसे टेंस देख के उसकी मदद करना चाहता है। फिर बे न्यूबॉर्न बेबी के मिसिंग के बारे में बताता है और उसे फाइल देता है। फिर प्रिंस यानी कि लियो उस फाइल को देख के एक लीड ढूंढता है। लियो बताता है कि वो चारों किडनैप हुए न्यूबॉर्न बेबी एक ही दिन एक ही हॉस्पिटल में, जिसका नाम था सेंट मैरी हॉस्पिटल, उसी में पैदा हुआ था। फिर लियो बे को बताता है कि उस हॉस्पिटल में पैदा होने वाले सारे बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट मैरी लेवन टाउन हॉल में रखे जाते हैं, तो वहाँ से कुछ लीड मिल सकता है। फिर वो पाँचों वहाँ पे जाते हैं और लियो उस हॉस्पिटल के उसी दिन को पैदा होने वाले बच्चों के लिस्ट देखता है। फिर उससे पता चलता है कि उसी दिन 6 बच्चे का जन्म हुआ था उसी हॉस्पिटल में, उसमें से एक बच्चा मर गया था और एक न्यूबॉर्न बेबी अभी तक किडनैप नहीं हुआ था। तो पाँचों मिलके 5th न्यूबॉर्न बेबी के घर के लिए निकलते हैं। रास्ते में स्पाइक अपना मन बदलता है, उसको इस डेंजर में नहीं जाना था सुजन सिपली के हालात को सोच के। फिर बे जेसी से भी कहता है कि वो भी स्पाइक के साथ घर चला जाए, पर जेसी घर नहीं जाना चाहता था। फिर जेसी और बे के बीच बहस हो जाता है और जेसी गुस्से से स्पाइक के साथ घर चला जाता है। इसके बाद वो तीनों 5th बेबी के घर के सामने जाता है। फिर बे बिली को उस घर पे उस बेबी को सेव करने के लिए बोलता है और उस बेबी की जगह एक डॉल को रखने को बोलता है। फिर बिली पाइप पे चढ़ के उस बच्चे के रूम में जाता है, पर वो न्यूबॉर्न बेबी बिली को देख के रोने लगता है। उस टाइम पे उसकी मम्मी आ जाती है। वो उस रूम का दरवाज़ा खोलने ही वाला था, तभी बिली दरवाजे के सामने जाके दरवाजे को रोकता है और इस टाइम पे बड़ा सा रेवन उस बच्ची को उठा ले जाता है। बे और लियो उस पक्षी को
उस न्यूबॉर्न बेबी को ले जाते देख के उसका पीछा करता है। कुछ देर बाद बिली भी उनके साथ जुड़ता है और वो तीनों देखता है और रेवन एक आदमी को उस बच्चे को सौंपता है। तब सबको पता चलता है कि वही न्यूबॉर्न बेबियों का किडनैप कर रहा है। जब वे उस आदमी से सवाल पूछने जाते हैं तो आदमी पक्षियों से उन पर हमला कर देता है और वो भाग जाता है। वो तीनों सेफ तो हो जाता है पर वे बहुत परेशान थी। फिर वो सोचता है कोई तो सबूत उसको मिस हो रहा है। फिर वो लियो से पूछता है जो मरा हुआ न्यूबॉर्न बेबी था उसके पिता क्या करते थे। तो लियो बताता है कि वो एक पक्षी वैज्ञानिक था। फिर सीन बदल के जेसी और स्पाइक को उनके घर पे दिखाया जाता है। जेसी फिर से सपना देखने लग जाता है। उसे फिर से वही गुफा दिखता है पर इस बार कौवा के मुंह जैसा दिखने वाला एक आदमी जेसी का गला दबा देता है। नींद में जेसी को तड़पता देख स्पाइक बहुत घबरा जाता है। स्पाइक जेसी को उठाने लगता है पर वो उठता नहीं। फिर सपना फिर से दिखाया जाता है हम लोगों को। तब उसके सपने पे बटरफ्लाई जैसा आता है और उसका सपना चेंज हो जाता है। फिर उसे दिखाया जाता है मतलब कि जेसी को एक सुंदर सा घर के सामने जहाँ उसके सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। जेसी पहले डर जाती है पर वो आदमी उसे समझा के शांत करता है। फिर उसे सपनों के बारे में पूछता है तो जेसी अपने सपने के बारे में बताने लगता है उस आदमी को। वो बोलता है वो हर बार एक सपना देखता है जिसमें एक टनल होता है और इस बार उसे एक मास्क पहनने वाले आदमी ने मारने की कोशिश की। फिर वो आदमी बोलता है जेसी का की बहन जिसे ढूंढ रहा है वो पक्षियों की कंट्रोल कर सकता है। वो एक आम आदमी है पर उसे कहीं से शक्तियाँ मिल रही है। ये शक्तियाँ उसे कहाँ से मिल रही है ये जेसिका को पता लगाना है। पर जेसी थोड़ा घबरा जाता है। वो कहता है वो कैसे पता लगा सकता है। फिर वो आदमी उसे कहता है कि जब भी वो किसी इंसान का हाथ पकड़ेगा तो उसके मन में घुस जाएगा, उसके दिमाग के अंदर घुस जाएगा। फिर उसका सपना टूट जाता है और वो स्पाइक से कहता है कि उन दोनों को बे के पास जाना होगा। फिर लियो एक लीड के सहारे लंदन के सबसे बड़े बर्ड सेंचुरी में आता है। वो तीनों अंदर जाता है फिर उस आदमी को देखता है। वो आदमी कहता है कि वो बच्चे उनका है। उस आदमी का मानना है कि उसका बच्चा मरा नहीं था। उस हॉस्पिटल में किसी और ने अपने मरे हुए बच्चे को उसके बच्चे से एक्सचेंज कर लिया। बे उसे समझाता है कि ये सही नहीं है, वो गलत सोच रहा है। फिर उस आदमी को गुस्सा आ जाता है और वो लंदन के सारे पक्षियों को एक साथ बुलाता है। फिर दिखाया जाता है कि उस सेंचुरी के आसपास बहुत सारे पक्षी एक साथ घूम रहा है और अंदर आने की कोशिश कर रहा है। तभी बे बोलता है लियो और बिली से कि उन तीनों को सारे दरवाजे बंद करने होंगे। बे दरवाजा बंद करने जाता ही है तभी साइक और जेसी को आते हुए देखता है तो उन्हें अंदर आने देता है और दरवाजा लगा देता है। पर यह सेंचुरी कांच का बना था और सारे पक्षी उसको तोड़ के अंदर आने की कोशिश करते हैं और बहुत सारे पक्षी आ भी जाते हैं। तभी जेसी उस आदमी के पास छुपके से जाता है और उसका हाथ पकड़ते ही उसके दिमाग के अंदर चला जाता है। फिर उस आदमी के कुछ यादों को दिखाया जाता है। हाँ, हम देखते हैं कि वो हॉस्पिटल में जाके देखता है उसका बच्चा मर गया है पर वो आदमी उसे देख नहीं पाया क्योंकि हॉस्पिटल वालों ने उसे मौत भेज दिया था। फिर वो थोड़ा इमोशनल हो जाता है जेसी के सामने। फिर जेसी उसका फिर से हाथ पकड़ता है क्योंकि उसे जानना था ये शक्तियाँ उसे कहाँ से मिला है। तो वो देखता है कि वो आदमी एक टेबल पे बैठे अपने वाइफ की आत्मा को बुलाता है। बुलाते ही एक चमत्कार होता है। टेबल पे एक कांच का ग्लास था जो हिलने लगता है। फिर टेबल से उसे कुछ शक्तियाँ मिलता है। जेसी का उसे समझाती है कि वो जो कर रहा है वो गलत है। फिर वो अपनी गलती समझता है और रो पड़ता है। फिर जेसी उस आदमी के यादों से निकलता है और वो आदमी बहुत रो रहा था। फिर जेसी अपने पावर के बारे में बे से कहता है। इसके बाद बिली फिफ्थ न्यूबॉर्न बेबी को वहाँ से छुड़ाता है। सब अपने अपने घर पहुँच जाते हैं और इस तरह दिखाया जाता है कि बेल के घंटी की आवाज़ सुन के लियो थोड़ा नर्वस होता है और वो किसी को बताए बिना ही चला जाता है। इसमें बे थोड़ा सा दुखी हो जाता है। फिर उन चारों को अपने घर दिखाया जाता है जहाँ बे देखता है कि स्पाइक के साथ एक किताब पढ़ते हुए जेसी बहुत ही खुश है। फिर उसे याद आता है कि उस डॉक्टर ने कहा था कि उसके बहन का इलाज जरूरी है और उसके लिए उसे पैसों की ज़रूरत है। फिर वो जल्दी से डॉक्टर के घर जाता है। वहाँ जाते ही उसे दरवाज़ा खुला मिलता है तो अंदर घुस जाता है। अंदर जाके देखता है डॉक्टर को किसी ने मुंह पे खरोचा है। फिर डॉक्टर बे को एक पैसों का बैग फेंक के देता है पर वो पैसा लिए बिना डॉक्टर से गुस्से से पूछता है कि उसे कैसे पता कि जेसी उसकी बहन है। उसको ये भी ज़रूर पता होगा कि जेसी के पास एक सुपर पावर है इसीलिए डॉक्टर ने उसे ये काम सौंपा था। बे डॉक्टर से और पूछता है उसे कैसे पता चला कि जेसी का सुपर पावर है। फिर वो डॉक्टर बोलता है कि शैतानों से लड़ते लड़ते एंजल को पहचानने में देरी नहीं होती। डॉक्टर और भी बताता है कि ये तो परेशानी की भी शुरुआत ही है। इविल इस शहर में आ चुका है।
फिर वे दरवाजा खोल के बाहर निकलता है। तभी देखता है कि बाहर जेसी बैठा हुआ था। वो पूछता है कि क्या हुआ, कुछ परेशानी है क्या। तब बे बताता है कि वो तो बस ये पैसे लेने आए थे। जाते जाते एक और डॉक्टर के कहे आखिरी शब्द याद आते हैं, ये तो बस शुरुआत है परेशान होने का, ये भी ला चुका है इस शहर में, अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। और यहीं पे द इररेगुलर की सीजन 1 की फर्स्ट एपिसोड खत्म होता है। तो वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताइए, और मेरा अगर एक्सप्लेनेशन में थोड़ा सा कमी रह गया हो तो वो भी कमेंट में जरूर बताना। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ठोको। इस वीडियो का लाइक मैं रखता हूँ 8 लाइक। एम पूरा होने पे हम द इररेगुलर सीरीज के एपिसोड 2 का एक्सप्लेनेशन लाएंगे। तो जल्दी ही लाइक ठोक के लाइक एम पूरा कर दीजिए। और क्या आप एपिसोड 2 के लिए एक्साइटेड है, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंतजार किसके कर रहे हो, अपने मन से करो। सब्सक्राइब का बटन ठोको और पास वाले बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दो। लव यू गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।